हम देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम, अगर हम स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, क्या कहना चाहते हैं? मान लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उससे वो हायर लेवल पे जाता है, तो जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा। तो जैसे अगर हम बोलते हैं एन इज इक्वल टू 4 पर इलेक्ट्रॉन है, वो एन इज इक्वल टू 4 से अलग से एन इज इक्वल टू 2 पर आता है तो एक एनर्जी आ जाएगी अंडर डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वो हायर लेवल से n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर आता तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो एक फोटोन एमिट करता है और वो जो फोटोन एमिट करता है उसका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है। और इस तरीके से जो हाइड्रोजन में हमारे पास अगर हम देखें कि कौन कौन से वेवलेंथ फॉर अ फोटोन अवेलेबल है तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही अवेलेबल होंगे, पूरे सारे वेवलेंथ नहीं होंगे एंड दैट वेवलेंथ विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। सो हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है क्योंकि इन स्पेक्ट्रम दैट मीन इन एमिशन स्पेक्ट्रम वट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एक पर्टिकुलर फोटोन आएगा और अगर हम देखें तो डिफरेंट एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट फोटॉन्स आएंगे उनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ अवेलेबल रहेगी। सो इन स्पेक्ट्रम, सो इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओनली फ्यू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स are present and that's why it is called line spectrum and that's why it is called line spectrum. Overall process क्या होगा? मान लो मैंने एक हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया, इसमें मैंने एनर्जी डाली, एनर्जी डालूंगा तो जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट पे चले जाएंगे। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो ये पहला पॉइंट है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट सिंगल स्टेप और सिंगल स्टेज प्रोसेस। मतलब अगर मान लो मैंने इतनी एनर्जी दी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 4 पर जा सकता है तो डायरेक्ट जंप होगा सिंगल स्टेज में 1 से 4 तक का, ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 पर जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, या 1 से 2 एंड देन 2 से 4 पे जाएगा, या 1 से 3 एंड 3 से 4 पे जाएगा। So it cannot be a two or more stage process. So that is first thing. So transition of electron from ground state to excited state is a single stage or single step process. Second, ground state to excited state का मतलब इसी को हम बोल सकते हैं, from lower energy state to higher energy state. अगर n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, एज n इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज अ सिंगल स्टेप और सिंगल स्टेज प्रोसेस। अगर हम देखेंगे तो केवल फ्यू पर्टिकुलर फोटॉन्स विल बी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग एक्साइटेशन प्रोसेस।
इसी का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ओनली फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ, सो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज एब्सॉर्ब। तो केवल वही फोटॉन्स एब्सॉर्ब किए जाएंगे जो कि दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बीच की एनर्जी के इक्वलेंट एनर्जी हमें दे रहे होंगे। एंड अगर मान लो देखेंगे तो बाकी सारे अगर फोटोन पास हो गए तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ मिसिंग होगी जो कि एब्जॉर्ब कर ली गई है।